टुंडी रोड के हरसिंह रायडेह में गलत तरीके से बने नाले की वजह से सुबोधराम का पूरा घर जलमग्न हो गया है। शुक्रवार को सुबोधराम का पूरा परिवार इससे परेशान रहा और व्यवस्था को कोसता नजर आया। बताया गया कि अभी हाल ही में कुछ ठेकेदारों के द्वारा उसके घर के बगल में नाला बनाया गया था, लेकिन वाटर लेवल सही नहीं रहने की वजह से लगातार हुई बारिश का पूरा पानी सुबोधराम के घर में घुस गया। बताया गया कि पूर्व में इस बात की शिकायत हर स्तर पर की गई है, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजतन आज उसे और इसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। सुबोधराम व परिवार के अन्य लोगों ने जिला प्रशासन से इस मामले में ध्यान देने की गुहार लगाई है। बस प्रशासन से मेरा यही दरखास्त है कि मेरा बस ये पानी निकलवा दीजिए सर, और यही पुल बनवा दीजिए, पुल बनवा दीजिए, जो पुल आधा बचा हुआ वो आधा लगवा दीजिए। यही आप लोग से, ये मेरा घर गिर जाएगा, हम सब तबाह हो जाएंगे। हम लोग क्या नाम हो? सुभाष कुमार राम। पुल है से बंद हो गया, पुल फूच के ले गया, फूल फूच के ले गया है हमारा घर। अब जो पानी आता है सब हमारा घर ढुक रहा है, हम कहाँ करें व्यवस्था, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएं।